हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैल्पस कैम में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मल्टीपल ग्रोविंग के बारे में। इससे पहले जो आपने मेरा ग्रोविंग का वीडियो देखा था, उसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक स्टेप के बारे में बताया था कि किस तरह से आप ग्रोविंग टूल का यूज कर सकते हो या फिर ग्रोविंग प्रोग्राम आपको कैसे लगाना है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी थी। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर स्टेशन पर आप देख सकते हो या फिर नीचे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आपको अगर एक से ज्यादा आपको ग्रूव लगाने हैं तो आप किस तरह से लगा सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वही सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे कि मेरे पास कुछ इस तरह का एक वर्कपीस होगा जिसमें आपको यहां पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग डायमीटर के हमारे पास क्या है ग्रूव आपको मेंटेन करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम अपने प्रोग्राम्स के एक से ज्यादा ग्रूव्स लगाएंगे वो आपको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का कोई भी नाम देंगे, जो भी हमारे पास नाम होगा 2-3 या 2-4 के नाम से मैं प्रोग्राम देता हूँ। उसके बाद हमने प्रीकॉशंस लाइन हम यहाँ पर देंगे, हम अपने हर एक प्रोग्राम में आपको देते आ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल को उसकी होम पोजिशन पर लेके जाना है। G50 हमारे पास मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड आपको प्रोवाइड करानी है और कांस्टेंट कटिंग स्पीड आपको जो रखनी है। उसके बाद हमने टूल को चेंज किया और टूल में हमने क्या किया, ग्रूविंग का टूल यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टूल को, मान लो मेरा टूल यहाँ पर होगा, आपके पास रेफरेंस पॉइंट पर होगा, तो आपको अब देखोगे कटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो कटिंग आपको बेसिकली इस पॉइंट से स्टार्ट करनी है, यहाँ से जो हमारे पास एक्स का डायमीटर कितना है 50 है और साथ में जो जेड की वैल्यू है आपके पास 20 है, यानी -20 आपके पास यहाँ पर जेड की वैल्यू रहेगी। तो आपको पहले टूल को इस पॉइंट पर आपको लेके आओगे, यहाँ पर आप लेके आओगे, तो उसके लिए हम कौन सा कोड लगाते हैं, 000 कोड लगाएंगे जो आपका रैपिड ट्रैवल के लिए यूज होगा, ताकि आपका टूल जल्दी से इस पॉइंट पर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अब वो रैपिडली आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इस डायमीटर से थोड़ा सा दूर रखेंगे, यानी एक्स में तो हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 51 रखने वाले हैं, ताकि उससे थोड़ा सा दूर रहे। और जेड की वैल्यू, अब मैंने आपको प्रोग्राम के अंदर बताया था कि आपका जो प्रोग्राम होता है तो वो आपका किस पर डिपेंड करता है, ग्रूविंग के अंदर आपके टूल विड्थ के अंदर आपके पास डिपेंड करता है। मान लो ये मेरे पास एक ग्रूविंग का टूल है, इस तरह से आपके पास कोई टूल होगा उसके से आपके पास टूल विड्थ होती है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टूल विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर जो मैं टूल विड्थ लेके चल रहा हूँ वो 3 mm की है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उसके हिसाब से ही मैं क्या करूँगा, कटिंग करूँगा यहाँ पर। तो 3 mm की टूल विड्थ जब मैं इस पॉइंट पर लेके आऊँगा तो वो क्या करेगा, आपका टूल के हमारे पास इस तरह से विड्थ होगी वो यहाँ पर होगी, तो यानी उससे 3 पीछे की तरफ आएगा। तो हमें वो एक्स्ट्रा वो टाइम हम क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा वो चीज़ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो यानी जब भी मैं इस पॉइंट पर लेके आऊँगा तो यहाँ पर एक्स तो 51 रहेगा और जेड माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो टूल विड्थ है मेरे टूल की वो कितनी है, 3 mm की यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर Z-23 किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली क्या करेंगे हम G75 से हम ग्रूविंग का जो ऑपरेशन था हमारे पास वो लगाएंगे। G75 जो कोड हमने यूज़ करते थे उसके साथ सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते थे R की वैल्यू देते थे, जो आपके पास कहलाता था रिट्रैक्ट पॉइंट। अब रिट्रैक्ट पॉइंट मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, उसके बाद अगेन से हम G75 कोड आप लगाओगे और आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो हम देते हैं एक्स की वैल्यू हम देते थे। अब एक्स क्या होता था कि आपको कितना डायमीटर मेंटेन करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले आपको जो ग्रूव लगाना है, यानी यहाँ पर ये मेरे पास पूरा ब्लैंक वर्कपीस रहेगा, कुछ इसी हिसाब से मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक वर्कपीस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रूव लगा रहे हो। मान लो मुझे पहले ये कटिंग करनी है, इस पॉइंट पर मुझे कटिंग करना है, तो यहाँ का अगर मैं डायमीटर देखता हूँ तो मेरे पास कितना है, यहाँ पर 45 का डायमीटर है, तो यानी 45 की कटिंग जो होगी मुझे कहाँ तक करनी पड़ेगी, पूरी यहाँ तक, इस पॉइंट तक कटिंग करना है, मतलब मुझे ये सारी चीज़ काटनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक कटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी एक्स का डाया कितना मेंटेन करना है, 45, तो आपको यहाँ पर 45 आप लिखोगे और जेड की वैल्यू आप यहाँ पर दोगे। अब जेड ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ तक उसको जेड दे दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि 45 अगर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो मटेरियल है वो बचा रहेगा, ठीक है, तो वो कटिंग भी आप इसी के अंदर प्रोवाइड कराओगे। तो यहाँ पर जो 45 का डायमीटर है कहाँ तक रखना है, 70 तक रखना है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो जेड की वैल्यू देंगे वो Z-70 रखेंगे, ठीक है। और ये चीज करने के बाद उसके बाद आता है डेप्थ ऑफ कट, कि आप एक बार में कितना काटना चाहते हो, यानी आपका टूल जब आएगा तो पहली बार में कितना अंदर की तरफ वो आपके पास काटेगा आपके वर्कपीस को, तो वो आप डेप्थ ऑफ कट यहां पर प्रोवाइड करोगे, जिसकी वैल्यू माइक्रोन के अंदर देते हैं, यानी यहां पर मैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट रखता हूं। और उसके बाद आता है टूल शिफ्ट पॉइंट। अब टूल शिफ्ट क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो मेरे आपके पास टूल की जो विड्थ है यहां से 3 mm की है, ये मेरे पास 3 mm का एक टूल रहेगा, यहां तक 3 mm की है, तो एक बार में ये कितना काटा उसने, 3 mm तक ही काटेगा। अब 3 mm काटने के बाद मुझे इसको आगे शिफ्ट कराना पड़ेगा, तो आगे वो कितना शिफ्ट करेगा वो आप वैल्यू किसके अंदर दोगे, अपने क्यू के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो मान लो अब वो भी डिपेंड करेगी आपकी टूल की विड्थ के ऊपर। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास 3 है तो मैं इसको 3 नहीं रखूंगा, 3 से कम ही रखना है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर 3 रखता हूँ तो क्या करें, बीच में माइनर से ही क्लियर यहाँ पर आपके वर्क पीस की छोड़ सकता है, ठीक है, तो वो आपका मतलब ठीक से ग्रूव नहीं करेगा। तो हमेशा जो आपको शिफ्टिंग करानी है वो आपकी जो टूल विड्थ होगी उससे कम करानी है।
तो यहाँ पर जो मैं टूल विड्थ रखता हूँ 2.5 रख लेता हूँ, यानी 2.5 mm की, क्योंकि 3 mm की थी तो 2.5 मैं उसको शिफ्ट कराऊंगा। और उसके बाद आप यहाँ से फीड रेट आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर मैंने फीड रेट रखा। तो इस तरह से क्या वो क्या करेगा, Z-70 तक आपके पास पूरे प्रोग्राम को इस तरह से वो काट देगा। यहाँ तक तो हमने एक ग्रूव लगा लिया, यानी अब आपका वर्क पीस जो कट गया है वो यहाँ तक आप क्या कर चुके हो, कटिंग कर चुके हो अपने वर्क पीस के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अब ये चीज़ करने के बाद आपको दोबारा से उसको टूल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी अब ये चीज़ कटने के बाद आपको क्या करना है, आपका टूल वापस वहाँ पर आ जाएगा, उस पोजीशन पर आएगा जहाँ से वो स्टार्टिंग में खड़ा था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके टूल को G00 पॉइंट दोगे, यहाँ पर हम G0 पॉइंट देंगे और उस पॉइंट पर लेके आएंगे जहाँ से आपको फिर से आपको कटिंग करनी है। अब आपकी देखो कटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारे पास इस पॉइंट से कटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू, अब डाया कितना मेंटेन करना है, नेक्स्ट जो डाया मेंटेन करना है हमें, अब 45 से 40 का डायमीटर मेंटेन करना है, यानी यहाँ तक हमें कटिंग नहीं है। तो 40 का डायमीटर आपके पास यहां पर आएगा और उसके बाद Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, Z की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास यहां पर जो रहने वाली है 30 थी यहां पर, अब उसमें 3 ऐड कर देंगे, यानी Z-33 आपके पास यहां पर आप वैल्यू को ऐड करोगे, ठीक है। अब यानी आपके पास टूल क्या करेगा, वापस से इस पॉइंट पर आएगा और अब आपको क्या करना है, वो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, यहां पर फिर से आपको क्या करना है, ग्रूविंग टूल लगाना है। अब इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार टूल लगाया उसके बाद टूल को आप चेंज करा रहे हो, आपको टूल चेंज कराने की नहीं, आप एक ही टूल से आप क्या कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में आप मल्टीपल ग्रुप्स को काट सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हम क्या करेंगे, G75 कोड लगाएंगे यहां पर, G75 R1 का हमने रिट्रैक्ट पॉइंट यहां पर देंगे और अगेन से G75 आपने कोड लगाया और यहां पर जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी, आपके पास एक्स की वैल्यू हमारे पास जो थी मेंटेन करनी है 40 मेंटेन करेंगे, साथ के साथ हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड माइनस ये भी आपको टोटल 70 तक करना है, तो यहां पर Z-70 रहेगा। उसके बाद पी आपका डेप्थ ऑफ कट सेम रहेगा, क्यू की वैल्यू आप सेम रख सकते हो यहां पर। फीड में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, यहां पर फीड आप अलग रखना चाहते हो, यहां पर अलग रखना चाहते हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मान लो मैं यहां पर चार्ज की फीड रखना चाहता हूं तो आप फीड आप यहां पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा से फिर क्या करना है, उस पॉइंट पर जाएंगे जहां से आपको अगेन आपको कटिंग करनी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, अब आपका यहां से 45 तक वो काट चुका होगा, यानी यहां तक आपका जो पार्ट है वो कट गया है। अब अगेन मुझे यहां से कटिंग करनी है, इस पॉइंट से आपको कटिंग करनी है, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी रहेगी, एक्स यहां पर हमारे पास जो था अब कितना हो गया, 40 पर आएंगे, यानी उसे आप थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो, 41 रख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर भी आप ज़्यादा एक वैल्यू आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में रखा था, क्योंकि वो रैपिड में आएगा तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे 41। और साथ के साथ जेड की वैल्यू यहाँ पर भी अगेन आपके पास जेड की वैल्यू कितनी रहने वाली है, -33 रहेगी यहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि वो सेम ही पॉइंट से यहाँ पर कटिंग हो रही है। उसके बाद आपको ये पार्ट आपको कट करना है, तो यहाँ से आप अगेन G75 कोड का यूज़ करोगे, R1 आप लगाओगे और साथ में G75 हमने लगाया, और यहाँ पर आपके पास जो एक्स डायमीटर मेंटेन करना है कितना है, यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट जो डायमीटर है वो 30 का है, तो यहाँ पर हम 30 मेंटेन करेंगे। जेड माइनस कितना मेंटेन करना है, ये आपको 50 तक मेंटेन करना है, तो जेड माइनस 50 हो जाएगा उसके बाद। और उसके बाद आपको क्या करना है, 50 करने के बाद आपको पी की वैल्यू आपके पास डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है, उसके बाद शिफ्टिंग पॉइंट आप कितना रखोगे और साथ के साथ फीड आप यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे। और ये चीज़ करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, टूल को ऊपर की तरफ उठा सकते हो, तो यहाँ से आप G00 दोगे, एक्स में सीधा उसको 51 पे आप लेके चले जाओगे और उसके बाद G28 से अपने टूल को उसकी होम पोजीशन पर लेके चले जाओगे, ठीक है। और यहाँ से M05 से प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे और M30 से प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके पास मल्टीपल ग्रूविंग टूल, कि आपकी एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर आपको एक से ज़्यादा टूल लगाने हैं तो आप कैसे लगाओगे और कैसे उसमें आप काम करोगे। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको टूल जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही टूल से एक से ज़्यादा ग्रूव हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेशन में कीजिएगा और इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।